डेटाबेस से हम कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, ठीक है, लिख लो ESP.NET MVC, डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑपरेशन यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, किसके थ्रू? एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। ESP.NET MVC के अंदर जो डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑपरेशन होता है वो MVC फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे होता है, हाउ वी इंटीग्रेट देम, ठीक है, दीज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग। एंटिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कंप्लीट सेट ऑफ लाइब्रेरी एंड ORM टूल्स टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन यूजिंग लिंक्यू क्यूरी। एंटिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कंप्लीट सेटअप लाइब्रेरी एंड ORM टूल्स टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन यूजिंग लिंक्यू फ्रेमवर्क। इट इज इन्हेंसमेंट ऑफ ADO.NET बिकॉज ADO.NET डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ डेटाबेस यूजिंग SQL क्यूरी, विच टेक मोर टाइम टू प्रोसेस SQL क्यूरी फ्रॉम एप्लीकेशन टू डेटाबेस। तो मतलब जो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क है, यदि हम इसको डिफाइन करने जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ADO.NET का इन्हांसमेंट है। मतलब इसके पहले ADO.NET यूज़ होता था। ADO.NET में हम SQL क्यूरी यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे? SQL क्यूरी यूज़ करते थे। ADO.NET डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ डेटाबेस विथ SQL क्यूरी विच टेक मोर टाइम टू प्रोसेस SQL क्यूरी फ्रॉम एप्लीकेशन टू डेटाबेस। क्योंकि जो SQL क्यूरी आप लिखते थे वो SQL क्यूरी एप्लीकेशन के अंदर कंपाइल नहीं होती थी, वो SQL क्यूरी एज अ रैपर जाती थी कहाँ पर? बैकएंड में, डेटाबेस में, और डेटाबेस के अंदर जाकर क्या होती थी, वो कंपाइल होती थी और एग्जीक्यूट होती थी, फिर वो आपको आउटपुट रिटर्न करती थी। तो आपका मैनेज्ड कोड से अनमैनेज्ड कोड, अनमैनेज्ड कोड से वापस से मैनेज्ड कोड, तो इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो पहले के एप्लीकेशंस, ठीक है, उसके अंदर ADO.NET बेटर वे में परफॉर्म करता था क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स पहले कम थे। आज के डेट में नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। हैंस एंटिटी फ्रेमवर्क ऑल्सो कॉल्ड ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क। इसका पूरा नाम क्या है? ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क, बिकॉज इट प्रोवाइड डेटा ऑपरेशन एंड ए कंप्लीट मॉडल लेयर टू ASP.NET MVC एप्लीकेशन। इसके दो काम है। पहला काम तो ADO.NET जैसे करता है, ये डेटा को आपका कम्युनिकेट करता है कहाँ पर? डाटाबेस में। और दूसरा काम ये करता है कि ये आपके MVC एप्लीकेशंस के अंदर बाय डिफॉल्ट मॉडल लेयर क्रिएट करके दे देता है। आपको अलग से मॉडल लेयर नहीं बनाना पड़ता, आपको अलग से क्लासेस नहीं बनाने पड़ते। जैसे मैंने अभी आपको MVC पैटर्न में बताया था कि भाई मॉडल लेयर के लिए हम सेपरेट क्या बनाते हैं, अलग से क्लास बनाते हैं।
यदि आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हो तो आपको मॉडल लेयर बनाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पूरा क्लास बना देगा, मतलब जो टेबल्स आपके बैकएंड में होंगे उन पूरे टेबल्स को क्लास के फॉर्म में बना देगा, तो आपको अलग से कोडिंग नहीं करनी पड़ती किसके लिए, क्लासेस के लिए। इट विल मैप ऑल बैकएंड ऑल डेटाबेस टेबल्स टू क्लास वेयर टेबल कॉलम डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपका टेबल है वो पूरी तरह से क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपके टेबल के कॉलम है वो पूरी तरह से प्रॉपर्टीज के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपके टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, और आपने उसके अंदर रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस, ये तीनों चीजें बना दी, तो जो स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस है वो मॉडल लेयर में एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगा, और स्टूडेंट एज अ क्लास डिफाइन हो जाएगा, और उससे आपका काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आपको एसक्यूएल क्यूरी नहीं लिखनी होगी। ठीक है, तो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि देखो एंटिटी फ्रेमवर्क के भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं, डेटा फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट, कोड फर्स्ट, वी विल डिस्कस लेटर, हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंपल ये डिस्कस कर रहे हैं कि ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है। अब मैंने इसके अंदर एक और पर्टिकुलर एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया है, लिंक्यू। मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि भाई लिंक्यू क्या है। ठीक है, तो लिंक्यू का जब सबसे पहले आपको लिंक का फुल फॉर्म, इसको लिंक्यू बोलते हैं या लिंक बोलते हैं, बहुत सारी कंपनीज इसको लिंक भी बोलते हैं, एक्चुअली होता ये लिंक ही है। ठीक है, लिंक मतलब होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, बिकॉज वी कैन डिफाइन क्यूरी बाय फ्रंट एंड लैंग्वेज। हम इसमें फ्रंट एंड लैंग्वेज के थ्रू क्यूरीज को डिफाइन कर सकते हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज मतलब सी शार्प या विजुअल बेसिक का यूज करके आप अपने क्यूरीज को डिफाइन कर सकते हो। तो लिंक हम बोल सकते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरीज, बिकॉज वी कैन डिफाइन क्यूरी बाय फ्रंट एंड लैंग्वेज। ओके, लिंक्यू परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी इज मच बेटर एज कंपेयर टू एसक्यूएल लैंग्वेज। यदि अपन लिंक्यू और एसक्यूएल लैंग्वेज की कंपैरिजन की बात करें तो लिंक्यू लैंग्वेज की जो सिक्योरिटी है और जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एसक्यूएल लैंग्वेज, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका एसक्यूएल लैंग्वेज है ये फ्रंट एंड के थ्रू न तो कंपाइल होता है न तो एग्जीक्यूट होता है। एसक्यूएल लैंग्वेज कैन नॉट बी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट बाय एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एसक्यूएल कंपाइलर हैंस इट टेक मोर टाइम टू प्रोसेस कोड पैरामीटराइज्ड एसक्यूएल क्यूरी is unsecure because it can be easily injected by SQL injection। एसक्यूएल क्यूरी में एक दूसरा लेख है कि एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हम एसक्यूएल क्यूरीज के अंदर के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक एसक्यूएल इंजेक्शन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ, इसलिए जितने भी आज के डेट में आप जितने भी सिक्योर फ्रेमवर्क आप देखोगे, चाहे वो ASP.NET की बात करूँ, चाहे मैं हीवरनेट की बात करूँ, जावा में हीवरनेट यूज़ होता है, हीवरनेट भी एसक्यूएल यूज़ करता है, उसके अंदर भी क्या होता है एसक्यूएल लेस, और आजकल जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं ये एसक्यूएल लेस पे काम कर रही हैं, नो एसक्यूएल पे काम कर रही है। एसक्यूएल लैंग्वेज आपको यूज ही नहीं करना है, आप बिना एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किए हुए डेटाबेस ऑपरेशंस आपको इंप्लीमेंट करना है। तो वो चीजें कौन प्रोवाइड करता है, एंटिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो आप क्यूरीज लिखोगे दैट इज कॉल्ड लिंक्यू क्यूरीज। ठीक है, तो
तो मैं एक नॉर्मल सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं एसक्यूएल की भाषा में मैं कैसे लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार, या इसको बोलते हैं ऑल कॉलम, सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट। ये आपका यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कॉलम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट हो गया, देन मीनिंग इज दैट कि हम स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करके डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी को यदि मैं लिंक्यू की भाषा में लिखूंगा तो लिंक्यू में मैं इसको ऐसा लिखूंगा, फ्रॉम सी इन डीबी डॉट स्टूडेंट्स सेलेक्ट सी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग चलता है। यहाँ पर डीबी डॉट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, ये क्लास हो गया स्टूडेंट्स, डीबी क्या हो गया एक रेफरेंस हो गया डेटाबेस कंटेनर का, और सेलेक्ट सी सी एक आइडेंटिफायर हो गया कि इसकी पूरी वैल्यू पहले क्या होती है, इसमें डीबी डॉट स्टूडेंट्स की पूरी वैल्यू किस में कॉपी होती है, सी में कॉपी होती है, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड किस में आ गया, सी में आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, सेलेक्ट सी किया, सी को हमने सेलेक्ट किया। तो इस तरीके से हम लिंक्यू के लिए लिखते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सेलेक्ट रोल नंबर एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करते हैं। यदि आप किसी भी क्यूरीज के अंदर पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करते हो उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसको मैं लिंक्यू की भाषा में कैसे लिखूंगा, फ्रॉम सी इन डीबी डॉट स्टूडेंट्स सेलेक्ट, यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट न्यू, और इसके अंदर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा आर एन ओ इक्वल्स टू सी डॉट आर एन ओ और एस नेम इक्वल्स टू सी डॉट एस नेम। ये इसका सिंटैक्स है। इस तरीके से लिंक्यू के अंदर अपन प्रोजेक्शन को लिख सकते हैं। जैसे अपन इंसर्शन की बात करें, डेटा इंसर्शन की बात करें, तो इंसर्शन के लिए अपन नॉर्मल एसक्यूएल में क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे जाएगा रोल नंबर एस नेम, फिर वैल्यूज, ये आ गया नॉर्मल एसक्यूएल में। इसी को लिंक्यू में कैसे लिखेंगे, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट एड, और यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा पूरा डाटा किस में होगा, ऑब्जेक्ट में होगा, s में होगा, s क्या हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा पूरा डाटा होगा, इस डाटा को मतलब आप ऐसा लिख सकते हो न्यू स्टूडेंट और 1001 और यहाँ पे मनीष। तो ये सिंटैक्स है इंसर्शन का। ठीक है, एसक्यूएल में आप इंसर्ट कैसे लिखते हो, ऐसा लिखते हो, और लिंक्यू में आप कैसे लिखते हो, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट एड, और एड के अंदर क्या पास करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो ये सिंटैक्स होता है आपका लिंक्यू का। ठीक है, हाँ, जो टेक्स्ट बॉक्स लिया उसमें सॉफ्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट में डाटा आता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन हाँ पूरा एक ऑब्जेक्ट में आता है टेक्स्ट बॉक्स का डाटा, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देंगे। और इसके लिए अपन को db डॉट सेव चेंजेस भी लिखना पड़ता है। यदि आप सेव चेंज करोगे देयर मीनिंग इज दैट इट विल रिफ्लेक्ट द डेटा इनटू बैकएंड। ठीक है, जब तक आप सेव चेंजेस नहीं लिखेंगे तब तक ये बैकएंड पे डाटा को अपडेट नहीं करेगा, बैकएंड पे डाटा को सेव नहीं करेगा। इफ यू वांट टू सेव द डाटा इन बैकएंड देन यू विल यूज db डॉट सेव चेंजेस मेथड। वो मैं बताऊंगा आगे, मैं तो सिंपल आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस। सभी स्टेप्स में बता रहा हूँ।